आयुर्वेदिक दवाओं के साथ एलर्जी का पक्का इलाज करने वाले भारत के एक डॉक्टर दंपति ने जर्मन में हुई 20वीं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदा सिंपोजियम में एलर्जी की बीमारियों पर की गई अपनी शोध के अनुसार दुनिया भर के डॉक्टरों की पुरानी एलर्जी प्रति सोच को बदलने में सफलता हासिल की है। जालंधर के डॉक्टर हरवीन कौर और डॉक्टर सतनाम सिंह ने जर्मन के शहर ब्रुस्टाइन में हुई इस सिंपोजियम में 595 मरीजों पर की गई शोध के नतीजे पेश किए। डॉक्टर दंपति ने दुनिया भर के करीब 250 मेडिकल विज्ञानियों को इस शोध के द्वारा बताया कि कैसे 595 मरीजों में से 500 मरीजों को पूरी तरह आयुर्वेद के सहारे ही जड़ से ठीक किया गया है और अब इन मरीजों को किसी तरह की दवा की जरूरत नहीं है। जर्मन के इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर वापस आए डॉक्टर सतनाम सिंह ने सिंपोजियम दौरान हासिल किए अपने तजुर्बों को पंजाब केसरी के साथ साझा किया। हमने आरोग्यम डीआरटी एक पॉलीहर्बल कॉम्बिनेशन है, दवाओं का हर्ब्स का कॉम्बिनेशन, उसके जरिए हम जो लाखों पेशेंट्स में एलर्जी, पुराना नजला और चमड़ी की एलर्जी का जड़ से इलाज कर रहे थे, उनका जो उनमें से 595 पेशेंट्स का डाटा का हमने रिसर्च तैयार किया और उस रिसर्च को वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट के सामने रोजनबर्ग जो अकेडमी ऑफ आयुर्वेदा है यूरोप की, वहाँ पे हमने उसको प्रस्तुत किया और उसमें हमने देखा कि 500 पेशेंट जो थे बिल्कुल जड़ से ठीक हो गए थे और उनमें जो एक साल से कोई अंग्रेजी दवा नहीं खा रहे थे। और वहाँ के जो वर्ल्ड के टॉप लेवल के साइंटिस्ट थे उन्होंने हमारे इस रिसर्च को बहुत अच्छे तरीके से सराहा। इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट में हो रहा है आयुर्वेदा का सिंपोजियम, वहाँ पे भी हमें इनवाइट किया गया है और ये अपना प्रोडक्ट जो हम आरोग्यम डीआरटी है उसको उसका जो रिसर्च है वहाँ पे भी हम पेश करने के लिए हमें बोला गया है। जिक्र हो गया कि डॉक्टर सतनाम सिंह पिछले 20 साल से आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा पुरानी एलर्जी और नजले का सफल इलाज कर रहे हैं और भारत के अलावा दुनिया भर में आरोग्यम की दवाएं कई मरीजों की बीमारियों को ठीक करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। और डॉक्टर सतनाम को पंजाब के स्थानिक सरकारों के बारे मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से सम्मानित भी किया जा चुका है और रिसर्च को पेश करने के बाद दुनिया भर के विज्ञानी भी इस रिसर्च के नतीजों पर शोध करेंगे और इस बात की संभावना है कि यह नतीजे दुनिया भर में पुरानी एलर्जी के साथ जूझ रहे मरीजों की बीमारी जड़ से खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं।